नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भोला मूवी के एडवांस बुकिंग के बारे में। देखा जाए भोला मूवी की जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग हो रही है, इसकी एडवांस बुकिंग करोड़ों में पहुंच गई है। और वहीं अगर हम मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये मूवी अब पठान मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नज़र आ रही है एडवांस बुकिंग के मामले में। वहीं ये भी बताया जा रहा है जब तक भोला मूवी रिलीज़ होगी होगी तब तक ये मूवी पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए भोला मूवी कैथी मूवी का रीमेक है और इसको अजय देवगन इसमें लीड रोल एक्टिंग कर रहे हैं और इस मूवी को डायरेक्ट भी अजय देवगन ने किया है दोस्तों। और वहीं अजय देवगन की जो फैन फॉलोइंग है दृश्यम 2 के बाद उनकी काफ़ी तगड़ी बढ़ गई है और दृश्यम 2 के बाद ये भोला मूवी में अब कहर बरबाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते प्रमोशन के लिए अजय देवगन ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। यहाँ तक कि वह इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देखने गए थे मुंबई में और उन्होंने प्रमोशन के कई कई नए तरीके भी ढूंढे थे। जैसे उन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले अपने प्रमोशन के लिए कई सारे ट्रकों का इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने भोला नाम छपवाया था और रिलीज डेट भी छपवाई थी और उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमने का आदेश दिया था। और इसी के चलते हुए कपिल शर्मा के शो में भी आए थे अपना भोला मूवी का प्रमोशन करने के लिए और कपिल शर्मा भी इस रंग में रंगते भाई दिखे। यानी कि भोला मूवी के प्रमोशन के दौरान कपिल शर्मा ने अपने माथे पे तिलक लगाया और लोगों से कहा कि मैं तो रंग चुका हूँ भोला के रंग में, क्या आप लोग रंगने के लिए हैं तैयार। यानी कि भोला मूवी मचाने वाली है धमाल और वो तोड़ने वाली है पठान मूवी का रिकॉर्ड। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भोला मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।